एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वायरल बंदा। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पबजी हमारी कंट्री में हो चुका है बैन, और गाइस उसी के साथ साथ पबजी ने अब तक की सबसे बड़ी अपडेट जो है उनकी पबजी 1.0 जिसमें हमें एरंगल 2.0 देखने के लिए मिलने वाला था। पिछले एक साल से हम इसके लिए वेट कर रहे थे, पर गाइस जब ये आया तब पबजी हमारी कंट्री में बैन हो गया, तो हम इसका मज़ा नहीं ले पा रहे। गाइस हाल ही में अपडेट रिलीज हुई है कल के दिन, प्ले स्टोर पर तो ये अवेलेबल नहीं है। पर गाइस बात यह है कि पबजी के सर्वर अभी इंडिया में बंद नहीं हुए और आप पबजी खेल सकते हो, पर आपको पबजी डाउनलोड करने के लिए पबजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आप पबजी मोबाइल डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जा सकते हो। गाइस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी पबजी की फाइल्स और जो इंस्टॉलेशन फाइल्स है वो जाकर आप डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए पबजी 1.0 अपने फोन पर। और गाइस उसी के साथ साथ हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है 60 FPS पर रियलमी एक्स पर पबजी 1.0 खेलना। पर गाइस आप यहां पर 60 FPS पर कैसे खेलोगे, क्योंकि हमारे रियलमी एक्स पर तो सिर्फ यहां पर अल्ट्रा तक सपोर्ट करता है यानी 40 FPS। तो गाइस जैसे कि आप जानते हो कि रियलमी 3 प्रो पर भी हम 60 FPS ऑलरेडी खेल चुके हैं, क्योंकि गाइस यहां पर हमारे जो दोस्त है LTR गेमिंग, तो ये टाइम टू टाइम न्यू अपडेट्स के लिए पबजी कॉन्फ़िग्स क्रिएट करते हैं, तो हमें 60 FPS ही अनलॉक करके दे देते हैं। तो इन्हीं के थ्रू हमें एक और कॉन्फ़िग मिल गई है गाइस पबजी 1.0 के लिए, जिसको इंस्टॉल करके आप अनलॉक कर सकते हो 60 FPS आपके किसी भी रियलमी डिवाइस पर या फिर किसी भी अदर फोन पर। हो सकता है कुछ फोन पर काम ना करे, पर मैक्सिमम पर ये काम कर जाता है गाइस। तो यहां पर जो है मैंने डाउनलोड कर ली है पबजी कॉन्फ़िग, आप भी डाउनलोड कर सकते हो गाइस। आपको जाना है सिर्फ मेरे ग्रुप में और वायरल बंदा का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है और सर्च करना है गाइस। यहां पर आपको सिर्फ जैसे ही आप ग्रुप पर आ जाओगे आपको मैसेज बॉक्स में टाइप करना होगा गाइस पबजी कॉन्फ़िग, तो ये देखिए ऑलरेडी टाइप्ड है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पबजी कॉन्फ़िग साइंड किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लिक मी बटन आ गया है और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक और लिंक मिलता है तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वायरल बंदा का चैनल है गाइस उस पर आ चुका है पबजी कॉन्फ़िग। तो यहाँ पर जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसे कैसे इंस्टॉल करना है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक बार फिर भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ज़ारकाइवर का या फिर ज़ारचीवर, जो भी आप इसे बुलाते हो। तो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि पबजी मोबाइल एरा 1.0 कॉन्फ़िग्स जो है बाय LTR किट गेमिंग, तो इसको आपको ओपन कर लेना है और गाइस इस फोल्डर को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको इसके अंदर जाना है गाइस। इसमें आपको दो फोल्डर दिखेंगे, एक है एक्टिव सेव एक्टिव SAV, तो इसमें आपको जाना होगा। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कितने FPS आपको अनलॉक करना है, तो हमको 60 करना है तो मैं 60 सिलेक्ट करूँगा। और गाइस जो हमारा active.savv है इसको हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और गाइस जाएंगे हम हमारे जो मेन डायरेक्टरी है एंड्रॉयड फोल्डर में android/data और फिर यहाँ पर हमें जाना होगा com.tencent.ig फाइल्स UE4 गेम शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा वन मोर शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा सेव्ड और यहाँ पर सेव गेम्स का एक फोल्डर होगा, यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। और अगर ये ओवरराइट के लिए पूछे तो आपको अप्लाई टू ऑल करके रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इतना हो गया है, अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हम कर लेते हैं। अब गाइस हमें जाना है दोबारा से पबजी के फोल्डर में जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है और इस बार हम जाएंगे स्टेबल कॉन्फ़िग्स में और यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस जो जितना कम रेजोल्यूशन आप रखोगे उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी, पर आपका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा तो शायद थोड़ा मज़ा ना आए आपको देखने में, इसलिए मैं 720p ही यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर एक फाइल होगी गाइस enjoyczc.ini, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और फिर से हमें जाना है गाइस एंड्रॉयड डेटा वाले फोल्डर में। तो हम जाएंगे android.data.com.tencent.ig फाइल्स UE4 गेम शेड्यूल ट्रैकर एक्स्ट्रा वन मोर शेड्यूल ट्रैकर एक्स्ट्रा सेव्ड और यहाँ पर एक कॉन्फ़िग का फोल्डर होगा गाइस, यहाँ पर एंड्रॉयड का फोल्डर होगा इस कॉन्फ़िग के फोल्डर में, इसको ओपन करना है और पेस्ट कर देना है। और फिर से अगर रिप्लेस के लिए पूछे तो आप रिप्लेस कर देना, वैसे फर्स्ट टाइम में नहीं पूछेगा तो डायरेक्टली ये रिप्लेस हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारी फाइल्स अब रिप्लेस हो चुकी है और अब गाइस आपने जो पबजी 1.0 इंस्टॉल कर रखा है आप उसको लॉन्च कर सकते हो। गाइस ध्यान रखिए आपका फ़ोन रूट हो तो मजेस्ट हाइट से अपने पबजी को हाइड कर लेना और मजेस्ट मैनेजर को रिनेम कर देना, वरना पबजी क्रैश हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अब मैं यहाँ पर पबजी मोबाइल 1.0 रन करता हूँ और देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एवोल्यूशन एक्स वर्जन 4.6 कस्टम रोम रियलमी एक्स के लिए और उस पर हमने इंस्टॉल कर लिया है पबजी 1.0 और पबजी कॉन्फ़िग्स एक्सट्रीम वाली 60 FPS। हम देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिलने वाली है। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारी पबजी की लॉबी पर और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नया UI यहाँ पर चेंज हो गया है पबजी का। और यहाँ पर सेटिंग में जाना है तो आपको राइट कॉर्नर पर जाना होगा, बॉटम पर सेटिंग्स का बटन होगा, इसको ओपन करते हैं और ग्राफिक देख लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है हमारा जो डिफ़ॉल्ट ग्राफिक है HD हाई उस पर ही सेट है, पर जैसे ही आप स्मूथ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा, आपको एक्सट्रीम पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। गाइस ध्यान रखिए कि सिर्फ आपको स्मूथ पर ही एक्सट्रीम मिलने वाला है, बैलेंस पर अल्ट्रा ही मिलेगा और HD पर सिर्फ हाई ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने स्मूथ एक्सट्रीम अनलॉक कर लिया है। आप कलर मोड यहाँ से कोई से भी चूज़ कर सकते हो, मैं क्लासिक ही खेल रहा हूँ। और एंटी अलाइजिंग आपको इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो और यहाँ पर मैं जीरोस्कोप ऑलवेज ऑन करूँगा। और गाइस अब हम यहाँ पर खेलते हैं कोई पबजी का गेम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस जो UI है वो बहुत शानदार लग रहा है इस बार 1.0 में, मतलब ये अब तक की बेस्ट अपडेट है UI के मामले में।
तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारे जॉर्ज पोल में जो वेयर हाउस है वो चेंज हो गया है यहाँ पर। तो आप लोगों ने तो ऑलरेडी देखे होगा गाइस यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर हम जाते हैं गन्स वंस ढूंढते थोड़ी। ओके तो लगता है पिंग मेरी हाई है और मेरे पास अभी कोई भी गन नहीं है फिलहाल तो। ओके गाइस तो यहाँ पर हम हमारी नई वाली पबजी की लॉबी पर आ चुके हैं, यानी पबजी 1.0 की लॉबी पर अरंगल 2.0 में। और पहली चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एयरप्लेन था ब्रोकन एयरप्लेन, उसकी प्लेसमेंट चेंज हो गई है। और गाइस इसका आधा हिस्सा कहीं और पड़ा है और आधा हिस्सा कहीं और पड़ा है। तो अभी तो ये पहली चीज़ है, अंदर देखते हैं कि मैप में क्या क्या नए चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस हमें मिलती है पबजी की एक्सट्रीम FPS पर। तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हम मिल्टा पावर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डोम है इसके अंदर मैं कूद रहा हूँ और ठीक है। ओके तो गाइस यहाँ पर हमारी जो मेन बिल्डिंग है जो ग्रीन वाली बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है और यहाँ पर कुछ वेयर हाउसेस ऐड कर दिए गए। तो यहाँ वेयर हाउस अच्छी बात है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ वेयर हाउस के अंदर और यहाँ से उठा लेता हूँ कोई भी गन। ओके बस मिल जानी चाहिए, तो DPS मिल गई है भाई। गाइस यहाँ पर कंटेनर्स वगैरह भी ऐड कर दिए गए हैं कुछ। गाइस अब यहाँ के सारे वेयर हाउसेस और घर देख सकते हैं टोटली डिफरेंट है और जो हमारी मेन बिल्डिंग है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो गई है, पर देखते हैं कि शायद अंदर से सेम हो। और गाइस यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्री टाइप भी ऐड कर दिया गया है और फैक्ट्री वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कुछ इक्विपमेंट्स लगा दिए गए हैं और टावर्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं। और गाइस ऐसा लग रहा है कि जो मिल्टा पावर है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, उतना ही पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है एरिया। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस टैंक वगैरह रखे हुए हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मिल्टा पावर की मेन बिल्डिंग के ऊपर और नीचे कुछ बंदे वगैरह भाग रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंटर जॉइंट कनेक्शन दिया गया है, क्या हम इसके अंदर कूद सकते हैं देखते हैं। तो इसके अंदर जाने की कोई बड़ी जगह तो नहीं है पर हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं शायद। ओके गाइस तो मैं एंटर हो चुका हूँ अंदर मेन बिल्डिंग में। ओह माय गॉड भाई जल्दी से गन ढूंढ के मारना पड़ेगा वरना ये मेरे को पेल देगा भाई। किस्मत थोड़ी सी ख़राब चल रही है आजकल, गन वन कहीं नहीं है बताओ भाई। ओके अब आने दो, अब आने दो, आ गया है बंदा। तो बंदा तो आ गया है अंदर और लगता है बंदा नहीं बंदे आ गए हैं अंदर और थर्ड पार्टी का मज़ा लेना पड़ेगा हमें। तो भाई यहाँ पर हमने काम तमाम कर दिया है, बच गए, बहुत बहुत बच गए। अब देखते हैं कि कैसी है ये बिल्डिंग अंदर से। तो यार आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अंदर से। ओ भाई एक और बंदा, तो ये वाला बॉट है, पिछला वाला बंदा था। ओके तो गाइस यहाँ पर कुछ साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं, कुछ मेमोरी फ्रैगमेंट अपडेट वगैरह के, तो कुछ नई नई चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं। पता नहीं क्या क्या नया ऐड किया गया है, इसको डिटेल में खेलना पड़ेगा। तो मैं डिटेल में वीडियो तो अभी बना नहीं सकता हूँ, इसलिए आप जो है खुद इंस्टॉल करके एक्सपीरियंस लो। तो यार ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और चेंज कर दी गई है, तो यहाँ पर विंडो वगैरह नहीं दी रखी है, तो मुझे लगता है फिर से मेन गेट ढूंढना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। तो ये रहा मेन डोर। तो गाइस ये देखो जो मेन बिल्डिंग है काफ़ी बड़ी है, बड़ा कर दिया गया है इसे, और इसका मतलब दो तीन पार्ट है, एक इधर से शुरू होती है और यहाँ से ख़त्म हो जाती है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि शायद जो हमारा पुराना वाला डोम था गाइस वो यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा है और ये ऐसा लग रहा है कि ऊपर से गिर गया है। ये देख सकते हैं कि ये टूट गया है, हमारा जो पुराना वाला डोम है ऊपर से टूट गया और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ है टूटा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये रहा हमारा टूटा हुआ डोम और ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर स्केटबोर्ड होता तो नीचे यहाँ से जा सकते थे स्केटबोर्डिंग करते हुए। तो गाइस पानी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई थी कि यहाँ पर जो वाटर होगा गाइस उसमें कुछ डिटेलिंग ऐड की गई होगी। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि क्या यहाँ पर आपको जो है पानी में या फिर लेक वगैरह पर देखने के लिए मिलता है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर है इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड कर दी गई है और यार ज़्यादा कुछ चेंज तो नज़र नहीं आ रहा, पर अगर हम इसको HDR वगैरह पर खेलेंगे, HD वगैरह पर बैलेंस पर खेलेंगे तो शायद ये थोड़ा बेहतरीन नज़र आएगा। पर मैं अभी ग्राफिक चेंज कर नहीं सकता हूँ, अगर आप ग्राफिक चेंज करोगे तो हो सकता है कि आपकी एक्सट्रीम कन्फिग जो है वो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके गाइस तो यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रिजन पर और आप देख सकते हैं कि जो वॉच टावर है गाइस वो टोटली अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पर जो लोकल वाले वॉच टावर थे उनको चेंज करके यहाँ पर थोड़ा हाई क्वालिटी वॉच टावर लगा दिया गया है,
तो मैं पहले इस बॉट को मार देता हूँ, ये बहुत देर से पीछे मेरे। अब गाइस यहाँ पर आप देख रहे हो जो वेयर हाउस है वो भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, जो पहले ट्रायंगल शेप्ड होता था ऊपर से वैसा अब नहीं है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वेयर हाउस आपको देखने के लिए मिल रहा है। और वहाँ पर टैंक्स तो पहले से भी थे, पर जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है शायद इसका जो कलर है गाइस वो चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा। और ऊपर जो रेड बिल्डिंग हुआ करती थी गाइस, अब वहाँ पर रेड बिल्डिंग नहीं है, वहाँ पर एक येलो बिल्डिंग ऐड कर दी गई है। गाइस यहाँ पर जो आप ये खेत देख रहे हो इसकी जो घास है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है पहले से ज़्यादा। और अभी हम चलते हैं स्कूल की तरफ और देखते हैं कि इसकी स्कूल में क्या नए चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और स्कूल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उन पर पेंटिंग कर दी गई है, पुताई हो गई है, यहाँ पर मरम्मत हो गई है इनकी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी दो फ्लैग्स ऐड कर दिए गए और बीच में एक यहाँ पर कुछ है, पर यहाँ कुछ स्टैचू वगैरह नहीं है इस बार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो हमारे लॉबी होती है यहाँ पर स्कूल की, जो गार्डन वगैरह होता है वो कुछ इस तरीके नज़र आ रहा है। और अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या चेंज है। तो मेरे ख्याल से अंदर कुछ ज़्यादा चेंज यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बास्केटबॉल कोर्ट चलता है और देखते हैं कि उधर क्या है। तो अगर इस बास्केटबॉल कोर्ट में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ बाहर से दिखने में ज़्यादा चेंज लगती है स्कूल की बिल्डिंग। और यहाँ पर कुछ गेट्स वगैरह जो है ये थोड़े से नए बनाए गए हैं। और अब हम चलते हैं इस ऑडिटोरियम में और ऑडिटोरियम देखते हैं कि ऑडिटोरियम कैसा नज़र आता है। तो ये देखी गई थी, ये रहा ऑडिटोरियम और इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं किए गए, पर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो स्टेयर्स है उनकी शेडो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर जो हमारी बाहर वाली वॉल होती है रेलिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी इसमें लगा दी गई रॉड्स और कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर्स का चेंज कर दिया गया है और ये चारों तरफ है। अब हम चलते हैं कि इस अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स देख लेते हैं कि अपार्टमेंट में क्या देखने के लिए मिलता है। और बिल्डिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि इस अपार्टमेंट की यहाँ पर टाइल्स वगैरह जो है अपग्रेड कर दिए गए हैं, यहाँ पर जो वॉल्स है उस पर भी टाइल्स वगैरह ऐड कर दिए गए हैं। तो मैं अंदर भी जा चुका हूँ और अपार्टमेंट में कुछ ज़्यादा चेंज आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ रोजॉक की तरफ और रोजॉक देख लेते हैं कि रोजॉक में क्या है। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो रोजॉक के ऊपर एक पहाड़ होता है रोजॉक और स्कूल के बीच, यहाँ पर रेलिंग्स ऐड कर दी गई है, तो यहाँ पर जालियाँ लगा दी गई है। और ये जो वॉच टावर होता है इस पर ग्रीन कलर कर दिया गया है और उसके नीचे दो टैंक्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं दो तीन। और अगर हम रोजॉक की तरफ देखें तो रोजॉक में कुछ खास चेंज देखने के लिए नहीं दिख रहा है अगर दूर से देखें तो। और गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से पोचिंकी की तरफ। तो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं पोचिंकी और देखेंगे कि क्या चेंज है पोचिंकी के अंदर। तो ये देख सकते हैं गाइस जो हमारा स्क्वाड हाउस है इसके पीछे की जो दीवार है गाइस इसको बड़ा कर दिया गया है, यानी कि अंदर का जो हिस्सा होगा उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो हाइट है वो बढ़ा दी गई है वॉल्स की, देखते हैं कि यहाँ से ऊपर चढ़ पाएंगे यानी। ओके गाइस तो ऊपर तो हम यहाँ से चढ़ सकते हैं, तो ऊपर यहाँ पर चढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ऊपर चढ़ने में। और अब यहाँ पर हम दूसरे घर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे घर भी गाइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। ओके तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गाइस इसकी वॉल है उसको चेंज कर दिया गया, यहाँ पर थोड़ी सीमेंट लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस इसकी जो वॉल्स है उन पर पेंट वेंट लगा हुआ है आधा आधा और कुछ कुछ पर नहीं है। और इस तरफ ये वाला घर आप देख सकते हैं इसकी इसको पूरा मतलब वुडन बना दिया गया है। और हम चलते हैं अब मेन रोड पे। मेन रोड पर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस कुछ लाइव टेलीकास्टिंग चल रही है, ऊपर कुछ लगा हुआ है स्क्रीन वगैरह, तो हम उधर चल के देखते हैं कि क्या है। तो यार ये कुछ इवेंट से रिलेटेड लग रहा है मेरे को और मैं इसके पास जाके देखता हूँ। तो यहाँ पर कुछ रिवॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, मैं रिवॉर्ड पर क्लिक कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपका आफ्टर गेम स्क्रीन भी देख सकते हैं, रेटिंग स्क्रीन जो है वो भी यहाँ पर टोटली चेंज कर दी गई है और यूआई में नया वाला साउंड डाल दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप इनेबल कर सकते हैं 60 FPS आपके रियलमी एक्स या फिर रियलमी 3 प्रो पर या फिर किसी भी रियलमी डिवाइस पर, और अदर डिवाइसेज भी कुछ कुछ सपोर्ट करती होंगी, तो आप ट्राई कर सकते हो FPS अनलॉक कर सकते हो 60 FPS किसी भी डिवाइस पर। और गाइस यहाँ पर आपने देख ली होगी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है एवोल्यूशन नेक्स्ट पर। तो अगर आपको इनेबल करना है पबजी कॉन्फिग्स और अगर आपको डाउनलोड करना है पबजी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम का ग्रुप और वहाँ पर आपको मिल जाएगी सारी फाइल्स। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दो, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।